हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दिव्या। आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट टू चैप्टर 13 प्लांट डाइवर्सिटी इन इंडिया। सो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाइए ताकि आप इन वीडियोस को मिस ना करें। और इन वीडियोस को देखने से पहले ज़रूर आप बाकी जो पार्ट्स हैं राइट शंकर राय सीरीज़ के और बाकी और भी जो बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, उन सब के वीडियोज़ अवेलेबल हैं, आप देखिए। और फाउंडेशनल वीडियोस को बिल्कुल इग्नोर मत कीजिए, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका अगर आपको एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन चाहिए तो आपको उन वीडियोस को ज़रूर देखना चाहिए। और अगर आपको तभी भी कोई डाउट होता है उसके बाद आप उन वीडियोस को अच्छी तरह से देखने के बाद आप वाइस सर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और आप रिक्वेस्टेड है कि आप अगर आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया होगी और बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको 2023 अच्छे से क्लियर करना है आप अभी से जुट जाइए, अभी से उस टाइम टेबल को अच्छी तरह फॉलो कीजिए राइट। और बहुत अच्छी तरह से उस प्लान को बनाया गया है वाइस सर ने राइट, तो ज़रूर उसका फ़ायदा उठाइए, इतने कम फीस में आपको मिल रहा है। और इन वीडियोस को ज़रूर देखिए राइट। आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमने पिछले पार्ट में हमने ड्रोसेरा और कुछ बहुत सारे इंसेक्टिवरस प्लांट्स के बारे में पढ़ा था, अब उनके कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी होती है, उनके कुछ अच्छे इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, हम उनके बारे में जानते हैं। तो जब जैसे हमने ड्रोसेरा के बारे में पढ़ा था, हमने नेपेंथिस के बारे में पढ़ा था, यूट्रिक्युलेरिया के बारे में पढ़ा था, उनके कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे जो ड्रोसेरा होता है वो जो कर्डलिंग ऑफ मिल्क, मतलब जब दूध को जमा कर दही बनाया जाता है उसमें कुछ बैक्टीरियाज लगते हैं राइट, तो उसमें ये मदद करता है राइट, तो दूध को दही जमाने में ये मदद करता है ड्रोसेरा। और जो इसके जो पत्ते होते हैं राइट, पत्तों से एक तरह का कुछ निकलता है ठीक है, रस जैसा निकलता है जो कि जिसे सिल्क होता है, जो मतलब जो रेशम होता है उसे डाई करने के लिए, मतलब उस पर कलर चढ़ाने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। और उसे ब्लिस्टर्स में भी इस्तेमाल किया जाता है, मतलब जब जहाँ पे जल जाता है उसे भी उस पर भी से इस्तेमाल किया जाता है। जो नेपेंथिस हमने जो पिचर प्लांट के बारे में हमने देखा था वो किस यूज़ वो क्या होता है, उसके जो लोकल मेडिसिंस हैं उसमें उसका इस्तेमाल किया जाता है। कॉलेरा राइट, ये एक तरह की बीमारी होती है जो गंदे पानी के वजह से, गंदे खाने की वजह से होती है, आजकल तो नहीं होती है बट ये हुआ करती थी और काफ़ी सीरियस हो जाती थी, तो उस तरह की बीमारी में इसे यूज़ किया जाता है, एक लोकल मेडिसिन की तरह से यूज़ किया जाता है। जो उस पिचर प्लांट के अंदर जो लिक्विड पाया जाता है राइट, जिससे कि वो प्लांट जो इंसेक्ट है वो मर जाता था, उससे बहुत सारे जो यूरिनरी प्रॉब्लम्स होती हैं राइट, जो हमारी यूरिनरी एरिया है मतलब यूरिनरी जो पार्ट है वहाँ पे जो बहुत सारे इन्फेक्शन ये सब हो जाते हैं, वहाँ उन पार्ट्स को ठीक करने के लिए राइट, उन वहाँ पर होने वाले पॉसिबल प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए इसे यूज़ किया जाता है राइट। और आई ड्रॉप्स में भी नेपेंथिस के जो उस लिक्विड को यूज़ किया जाता है, तो मतलब इनके मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं। और फिर यूट्रिक्युलेरिया राइट, तो इसे खांसी कॉफ में यूज़ किया जाता है, और घाव हो जाते हैं तो घाव को एक तरह से ड्रेसिंग करने के लिए, मतलब उसे घाव ठीक करने के लिए उसे यूज़ किया जाता है। और यूरिनरी डिसीजेस राइट, जो आपके उससे रिलेटेड है राइट, तो आपके जो यूरिनरी एरिया है उससे रिलेटेड उन डिसीजेस को ये क्योर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब हम आते हैं थ्रेट, अभी इन्हें किस किस चीज़ों से खतरा है। तो जो इनकी गार्डनिंग की जाती है, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ की वजह से इन्हें गार्डनिंग में यूज़ किया जाता है, ये एक तरह का खतरा है, उस वजह से इनकी जो जो तादाद है वो कम होती जा रही है। फिर हैबिटेट डिस्ट्रक्शन राइट, तो हमने एनिमल डाइवर्सिटी में काफ़ी बार ये इस वर्ड को देखा था, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, किस तरह से जो उनका घर छिन जाता है तो उस वजह से इनकी जो डाइवर्सिटी है उस पर बुरा असर पड़ता है। और वेटलैंड्स में बहुत और भी प्रॉब्लम्स होती, जैसे जो उनके वेटलैंड्स होते हैं अब वो धीरे धीरे वो वाटर बॉडीज़ ख़त्म होती जा रही हैं, क्योंकि रूरल और अर्बन एरिया ज़्यादा, मतलब पॉपुलेशन बढ़ रही है इसलिए लोगों का हैबिटेशन बढ़ रहा है, उस वजह से उनका हैबिटेट उनसे छूट रहा है। फिर आप देखते हैं पॉल्यूशन, तो जो एफ्लुएंट पॉल्यूशन है, जैसे यहाँ पे दिया गया है पिक्चर में अच्छी तरह से समझाया गया है, तो पोल्यूशन के वजह से क्या होता है, जो एफ्लुएंट्स आप यहाँ पे देख पा रहे हैं राइट, इस तरह से जब हमने एक्वेटिक आई एम सॉरी हमने जब
मराइन इकोसिस्टम के बारे में पढ़ा था, राइट। हमने एक्वेटिक इकोसिस्टम के बारे में पढ़ा था, तो हमने देखा था कि ये जो किस तरह से जो एफ्लुएंट्स या पोल्यूशन मतलब वाटर पोल्यूशन इस तरह से कॉज होता है, उस वजह से कितना बुरा असर पड़ता है वाटर बॉडीज़ पे, राइट। तो उसी तरह से जो फर्टिलाइजर्स हो गए, ये पेस्टिसाइड्स, ये जो सीवेज के साथ इस तरह बह के आ जाते हैं, रेन वाटर के साथ बह कर आ जाते हैं, उस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा मतलब इन प्लांट्स पे बुरा असर पड़ता है, राइट। आगे देखते हैं एलियन स्पीसीज़। अब हम फिर एक नए कॉन्सेप्ट को जानने की कोशिश करते हैं प्लांट्स में, राइट। ये एक और एक बहुत बड़ा खतरा है। तो क्या होता है एलियन? एलियन हम जानते हैं जो दूसरे ग्रह का होता है, राइट। एलियन का यह सिर्फ ये मतलब नहीं कि वो दूसरे ग्रह का होता है। हमने जो पॉलिटी में पढ़ा होगा कुछ एलियन सिटीजन्स, मतलब एलियन एनिमी, राइट। मतलब ऐसे कुछ ऐसे होते हैं एलियन एनिमी होते हैं और कुछ होते हैं फ्रेंडली एनिमीज, राइट, जो हमने सिटीजनशिप के चैप्टर में पढ़ा। ऐसे जो लोग जो कि नेटिव नहीं हैं, जो हमारे जो जहाँ हम रहते हैं वो हमारे साथ नहीं रहते, हमारे यहाँ के नहीं हैं वो, राइट, बाहर के लोग हैं, तो उसे एलियन कहते हैं। तो कुछ ऐसी स्पीसीज़ होती हैं जो कि बाहर से बाहर पाई जाती हैं, उन्हें यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाता है, उसे हमारी जगह इंट्रोड्यूस किया जाता है। अब उस वजह से क्या होता है, वो लोग क्या करते हैं, जो ओरिजिनली वहाँ पे लोग रहते हैं, वहाँ पे मतलब वहाँ के जो प्लांट्स हैं, नेटिव प्लांट्स जिसे कहते हैं, जो वहाँ पे ओरिजिनली पाए जाते हैं, उनके लिए वो खतरा बनने लग जाते हैं, राइट। उनके लिए खतरा बन के उनकी डाइवर्सिटी को, बायोडाइवर्सिटी को वो अफेक्ट करते हैं। और वो किस तरह से? बुरी तरह से अफेक्ट करते हैं। क्यों अब होता है? मोस्टली यहाँ पे इसका रीज़न हो सकता है कंपटीशन, ठीक है। उसके बाद जैसे कुछ हमने इंसेक्टिवस प्लांट्स के बारे में देखा था, तो हमने इंसेक्टिवस प्लांट्स के बारे में देखा था, वहाँ पे वो क्या कर रहे थे? प्रेडेशन, पैरासाइट्स, राइट। वो दूसरे होस्ट प्लांट को अपना शिकार बना रहे थे, उससे अपना खाना ले रहे थे और उसे मार डाल रहे थे। तो प्रेडेशन, पैथोजेंस, राइट, पैरासाइट्स, तो ये सारे जो कॉम्पिटिशन की वजह से क्या होता है, जो नेटिव स्पीसीज़ के प्लांट्स हैं वो कम होने लग जाते हैं और ये एलियन स्पीसीज़ उस तरह से उन्हें खतरा पहुंचाते हैं। तो ये काफ़ी एक बहुत जो नेटिव स्पीसीज़ के लिए उसकी इकोसिस्टम के लिए बहुत बड़ा खतरा है जो एलियन स्पीसीज़ हैं, राइट। तो फिर इस तरह से वो इन्वेजन करते हैं, मतलब इस तरह से वो उन्हें खतरा पहुँचाते हैं, जिससे कि क्या, जो नेटिव स्पीसीज़ एक्सटिंक्शन विलुप्त होने लग जाते हैं और उनकी जो स्पीसीज़ रिचनेस है वो कम होने लग जाती है। अब उनकी जो बहुत डाइवर्स हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा हुआ करते थे तादाद में, अब वो बहुत कम है और उनकी वैरायटीज़ भी अब कम होने लग गई है। तो ये जो नेगेटिव इंट्रैक्शन होता है मोस्टली कंपटीशन की वजह से होता है नेटिव्स और एलियन स्पीसीज़ के बीच में, राइट। अब हम देखते हैं इफ़ेक्ट्स। अब इस पर बायोडाइवर्सिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है? ऑब्वियसली जो बायोडाइवर्सिटी होगी जो नेटिव स्पीसीज़ की, वो काफ़ी कम होने लग जाएगी। नेटिव स्पीसीज़ काफ़ी ज़्यादा कम होने लग जाते हैं, हैबिटेट लॉस उनसे उनका घर छीनने लग जाता है, पैथोजेंस उनसे क्या, नए जो प्लांट्स हैं उनसे नए नए तरह के बीमारियां और नए तरह के पैथोजेंस, मतलब ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिससे बीमारियां हो सकती हैं, राइट, वो आने लग जाते हैं। कुछ ऐसे वो बैक्टीरियाज लेकर आते हैं कि जिससे नेटिव स्पीसीज़ इम्यून नहीं है, राइट। तो ऐसे पैथोजेंस वो लेकर आते हैं जिससे कि जो उन प्लांट्स पर खतरा होता है वो मर जाते हैं, और फिर जो मराइन और फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है वो भी ख़राब होने लग जाता है, राइट, डिग्रेडेशन होने लग जाता है। फिर कुछ ऐसे इन्वेसिव फौना, मतलब ऐसे कुछ पौधे जो इंडिया में पाए जाते हैं उनके बारे में बता रहे हैं, राइट। तो फिर यहाँ पे पहला दिया गया है अ न्यू इन्वेसिव गॉल फॉर्मिंग इंसेक्ट जो कि यूकेलिप्टस में पाया जाता है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए ये इस तरह के गॉल, राइट, ऐसे गोले गोले बना रहे हैं, गॉल फॉर्मिंग एक तरह का ये इंसेक्ट है जो कि यूकेलिप्टस, राइट, ये देखिए यूकेलिप्टस प्लांट है, इसमें पाया जाता है सदर्न इंडिया में। इसे कहते हैं लेप्टोसाइप इन्वेजा, राइट। तो ये जो न्यू इंसेक्ट है, इंसेक्ट पेस्ट है, ये ऐसा यहाँ पे मोस्टली कोस्टल तमिलनाडु में पाया जाता है और ये पेनिनसुलर इंडिया में मोस्टली ये पूरी तरह से फैला हुआ है, राइट। ये तो टाइनी वास्प होते हैं, ये क्या करते हैं, इस तरह के गॉल्स बनाने लग जाते हैं लीव्स और स्टेम में, राइट। आगे देखते हैं और कुछ स्पीसीज़ के नाम दिए गए हैं, जैसे क्रेजी एंट, जायंट अफ्रीकन स्नेल, मायना पिजन, राइट। तो आप मैं एक एक का लिस्ट नहीं पढ़ूंगी, आप ये लिस्ट देखिए, याद कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, राइट। आगे बढ़ते हैं कुछ और इसी तरह के एलियन फ्लोरा ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है नीडल ब्रश का, पिक्चर में दिखाया गया। तो पूरे जो ट्रॉपिकल साउथ अमेरिका में वहाँ की इसकी एक्चुअली ये वहाँ पे पाए जाते हैं, वहाँ से इसे इंडिया में इंट्रोड्यूस कर दिया गया। और अब ये क्या है, बहुत बुरी तरह से मतलब एकदम फैलने लग जाते हैं, राइट। तो इसलिए आप ये पूरे इंडिया में पाए जाते हैं, आपने भी आई एम श्योर अगर आपने देखा ही होगा ये, राइट, मैंने तो काफ़ी देखा ये।
ये पूरी तरह से इंडिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे थ्रू आउट। और ये क्या होते हैं, ओकेशनली ये थॉर्नी होते हैं, मतलब इनमें कुछ कांटे होते हैं, राइट। और ये ड्राई डिग्रेडेड फॉरेस्ट, मतलब जहाँ पे ज़्यादा, जैसे एवरग्रीन फॉरेस्ट इसका उल्टा हो गया, जहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होती है, लेकिन कुछ ऐसे फॉरेस्ट होते हैं राइट जो कि ड्राई होते हैं, वहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं। ओके आगे बढ़ते हैं। हाँ, ब्लैक पेटल, तो ये एक्चुअली ये कहाँ की स्पीसीज़ है, ये है साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया की स्पीसीज़, जो कि इंडिया में अब डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई है, इंडिया में इंट्रोड्यूस कर दी गई, और ये मोस्टली अब वेस्टर्न घाट में फैले हुए हैं। अब इस वजह से क्या हो रहा है, इसे क्या किया गया था, जब वेस्टर्न घाट्स हैं उस वहाँ के जो फॉरेस्ट हैं राइट, वहाँ का जो फॉरेस्ट है उसे कम करने, मतलब उसे ख़त्म करने के लिए इसे इस्तेमाल किया, आई मीन नॉट ख़त्म करने के लिए नहीं, मतलब एफॉरेस्टेशन के लिए, मतलब डिफॉरेस्टेशन को उल्टा, इस उनका ये सोच था कि इस तरह के पौधों को उगाया जाएगा तो फॉरेस्ट बढ़ जाएगा राइट, वहाँ पे जो प्लांट्स हैं उनकी स्पीसीज़ बढ़ने लग जाएगी, लेकिन उल्टा ये हो गया, जो वहाँ के नेटिव स्पीसीज़ है उनके लिए ख़तरा बन गया राइट। ये तो बढ़ गए बहुत ज़्यादा, लेकिन उनके लिए, नेटिव स्पीसीज़ के लिए बहुत ये ख़तरा बन गया। तो इट रीजनरेट्स रैपिडली आफ्टर फायर, जब भी कोई हमने देखा होगा फॉरेस्ट फायर होता है राइट, इन जंगलों में जब आग लग जाती है उसके बाद ये क्या करते हैं, ये बहुत जल्दी जल्दी से फिर से ग्रो करने लग जाते हैं, और बहुत थिक, मतलब बहुत घने, यू नो बहुत ज़्यादा ये घने घने बन जाते हैं राइट, बहुत जल्दी ये उगने लग जाते हैं। तो इस वजह से पूरे जो फॉरेस्ट है और वहाँ पर ग्रेजिंग लैंड में ये फैले हुए हैं। फिर आगे देखते हैं गोट वीड, ठीक है। तो ये एक्चुअली ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ये ट्रॉपिकल अमेरिका के ये नेटिव स्पीसीज़ है, लेकिन अब ये पूरे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है। ये अग्रेसिव कॉलोनाइज़र है, कॉलोनी आपको पता है किस तरह से ब्रिटिशर्स ने इंडिया को एक अपनी कॉलोनी बनाई थी राइट, उसी तरह से ये भी अब अपने यहाँ पे कॉलोनीज़ बनाने लग गए हैं राइट। तो ये एग्रेसिवली अपने आप को ग्रो करते हैं, जैसे हमने पिछले पार्ट में देखा, बहुत ज़्यादा जल्दी अपने आप को ग्रो करने लग जाते हैं, रैपिडली ग्रो करते हैं अग्रेसिवली, और इस वजह से ये क्या है, गार्डन्स में ट्रबलसम वीड कहा जाता है, कल्टीवेशन फील्ड्स में ये जो हमें पौधे नहीं चाहिए उन ऐसे पौधों में आता है ये, लेकिन जो ये जो यूज़फुल पौधों को की ग्रोथ को रोककर खुद ये ग्रो होने लग जाता है। फिर आता है ऑल्टरनेंथेरा राइट, पेरोनिकियोइडस राइट। फिर ये कहाँ पाया जाता है, नेटिविटी इसकी है ट्रॉपिकल अमेरिका, पूरे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, आपने भी देखा होगा और मैंने तो पक्का देखा है, मैंने काफ़ी जगह पे इसे देखा हुआ है। तो ये ओकेशनल ये भी वीड का काम करता है, किसी काम का नहीं आता, ये मार्शी लैंड्स में पाया जाता है बहुत सारे राइट, तो लगभग हर जगह पर पाया जाता है राइट, मैंने तो काफ़ी जगह इसे देखा हुआ है और मैंने काफ़ी ट्रैवल भी किया है राइट। फिर आता है प्रिकली पॉप, इसे भी मैंने काफ़ी देखा है राइट। तो ये एक्चुअली ट्रॉपिकल सेंट्रल और साउथ अमेरिका की नेटिव स्पीसीज़ है, लेकिन अब इंडिया में भी वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये भी एग्रिव कॉलोनाइज़र है, मोस्टली जो विंटर सीजन है वहाँ पे और वहाँ के कल्टिवेटेड लैंड्स में ज़्यादा पाया जाता है, फॉरेस्ट के भी कुछ एरियाज़ में ये पाया जाता है राइट। फिर हम आते हैं ब्लूमिया एरियंथा, तो ये कहाँ की स्पीसीज़ है, नेटिव स्पीसीज़ है ये ट्रॉपिकल अमेरिका की, इंडिया में हर जगह पाई जाती है थ्रू आउट पूरे इंडिया में, ये भी एग्रेसिव कॉलोनाइज़र है, और जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं, रोड साइड्स होते हैं, वहाँ पे उस एरियाज में ये ज़्यादा पाया जाता है राइट। और फिर हम आते हैं पामायरा टॉडी पाम राइट, तो फिर ये नेटिव स्पीसीज़ है ट्रॉपिकल अफ्रीका की, और ये इंडिया में पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये भी एग्रेसिव कॉलोनाइज़र है, और ये क्या करता है, खुद ही अपने आप उगने लग जाता है, सेल्फ सोन और कल्टीवेटेड अपने आप उगने लग जाता है, और ये ग्रिगेरियस, मतलब ये इस तरह से क्लस्टर्स में राइट, इस तरह से कॉलोनीज में ये उगने लगता है, मतलब इस तरह से क्लस्टर में उगने लगता है, ये देखिए एक साथ इतना उग रहा है, इसलिए अपने आप ये सेल्फ सोन होता है, और ये कल्टिवेटेड फार्म्स में भी पाया जाता है, वेस्टलैंड्स में भी पाया जाता है। फिर हम आते हैं, ये भी देखिए काफ़ी लोगों ने आई थिंक ये देखा होगा, कैलोट्रोपिस मडार या फिर स्वॉलो बॉट, ये नेटिव स्पीसीज़ है ट्रॉपिकल अफ्रीका की, और ये अब इंडिया में भी डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट, और ये एग्रेसिव कॉलोनाइज़र है राइट, और ये कॉमनली कल्टीवेटेड फील्ड्स में पाया जाता है, स्क्रबलैंड्स और वेस्टलैंड्स में भी पाया जाता है। फिर आता है धतूरा, ये आपने आई थिंक किसी ने पढ़ा हो तो इससे आई थिंक जो साइकोट्रॉपिक ड्रग्स है वो भी इससे बनाए जाते हैं धतूरा का राइट, और ये नेटिव स्पीसीज़ है ट्रॉपिकल अमेरिका की, और ये पूरे इंडिया में पूरे इंडिया में थ्रू आउट डिस्ट्रीब्यूटेड है, और ये अग्रेसिव कॉलोनाइज़र है, और ये ओकेशनल वीड और डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्टर्ब ग्राउंड्स में पाया जाता है।
राइट। फिर हम देखते हैं वाटर हैसिंथ, राइट, ये तो ये पूरे वाटर बॉडीज को एक तरह से कैप्चर करके रखता है, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे किस तरह से इसने कब्जा करके रखा हुआ है। तो ये नेटिव स्पीसीज है ट्रॉपिकल अमेरिका, डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट इंडिया एंड एग्रेसिव कॉलोनाइजर, राइट। और ये अबंडेंस मतलब काफ़ी भारी मात्रा में पाया जाता है जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। और ये जो एक्वेटिक इकोसिस्टम के लिए काफ़ी ज़्यादा चिंता का काम है, मतलब न्यूसेंस क्रिएट करता है उनके लिए, काफ़ी ये बड़ा खतरा है वाटर हायसिंथ। फिर आता है इम्पेशेंस बालसम, राइट, ये भी हमने काफ़ी ज़्यादा देखा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है, देखने में अच्छा भी लगता है, बट ये इन्वेसिव स्पीसीज है, एलियन स्पीसीज है। नेटिविटी कहाँ की है? ट्रॉपिकल अमेरिका थ्रू आउट इंडिया, इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड। और फिर अग्रेसिव कॉलोनाइजर, राइट, काफ़ी अग्रेसिवली ये बढ़ जाता है, राइट, अपने आप को कॉलोनाइज कर लग जाता है। फिर मोस्टली मॉइस्ट फॉरेस्ट एरियाज़ में पाया जाता है, राइट, रेलवे ट्रैक्स के आसपास में पाया जाता है, गार्डन्स में भी इसे लोग उगाते हैं। फिर आता है सी कॉड डुगोंग, इसका इससे कोई रिलेटेड नहीं है, ये डू यू नो के कॉलम में था और इसके बारे में मैंने आपको पिछले चैप्टर्स में बताया है, राइट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में भी। तो डुगोंग क्या है, हर जगह पाया जाता है इंडिया, तो गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ कच्छ, अंडमान और निकोबार, तो ये पूरे कोस्टल एरियाज में पाया जाता है, राइट, इंडियन डुगोंग सी काउ। फिर हम नेक्स्ट स्पीसीज पे आते हैं, एलियन स्पीसीज, पिंक मॉर्निंग ग्लो या फिर इपोमोया, राइट, ट्रॉपिकल अमेरिका की ये नेटिव स्पीसीज है, इंडिया में थ्रू आउट पाई जाती है, अग्रेसिव कॉलोनाइजर है और कॉमन वीड ऑफ मार्शी लैंड्स, राइट, मार्शी लैंड्स ये सब में ये काफ़ी हद तक पाया जाता है और ये काफ़ी हमने भी देखा हुआ है इसको। फिर नेक्स्ट आता है लंटाना वाइल्ड सेज जैसे कहते हैं या फिर लंटाना कैमरा, फिर ये भी ट्रॉपिकल अमेरिका की नेटिव स्पीसीज है, थ्रू आउट इंडिया पाया जाता है, अग्रेसिव कॉलोनाइजर है और ये फॉरेस्ट प्लांटेशंस, राइट, ये एक्चुअली हर जगह पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये मतलब ऐसा कोई नहीं है यहाँ पे नहीं है वहाँ पे नहीं होता, मैंने तो काफ़ी जगह देखा इसे, राइट। फिर आता है ब्लैक मिमोसा, ये भी ट्रॉपिकल नॉर्थ अमेरिका, डिस्ट्रीब्यूटेड इन हिमालयस, या आप याद रखिए थ्रू आउट इंडिया मत लिख कर आ जाइए, सही सब जगह पे एक अच्छी जगह पे इसको थोड़े नोट्स बना लीजिए, राइट, और दो चार पॉइंट्स लिख लीजिए जो कि इंपॉर्टेंट है, जैसे यहाँ पे ये कुछ हो गया कि ये थ्रू आउट इंडिया पे ये डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, हिमालयस वेस्टर्न घाट्स पे ये पाए जाते हैं, राइट। फिर ये भी एग्रेसिव कॉलोनाइजर है और ये जो पानी का वाटर कोर्सेज होते हैं जहाँ पे पानी गुजरता है वहाँ पे इसे रोक देता है, राइट, वहाँ पे ये ज़्यादा फैल जाता है और उसकी वजह से सीजनल फ्लडिंग भी हो जाती है, राइट, वहाँ पे सडनली वो बाढ़ आ जाती है वेटलैंड्स में, तो ये एक तरह से जो वाटर बॉडीज़ के लिए काफ़ी खतरे का काम करता है, राइट। नाम याद रखिए इसका, ये देखिए ब्लैक मिमोसा। नेक्स्ट हम देखते हैं टच मी नॉट या फिर स्लीपिंग ग्रास, तो ये ब्राज़ील की नेटिव स्पीसीज है, इंडिया में थ्रू आउट डिस्ट्रीब्यूटेड है, अग्रेसिव कॉलोनाइजर है, राइट, और ये कॉमन वीड है हर जगह, ऑलमोस्ट हर जगह पाई जाती है। फिर आगे देखते हैं 4 o'clock पॉइंट, वैसे देखने में अच्छा है लेकिन एलियन स्पीसीज, ये पेरू में, राइट, विच इज़ इन कहाँ पे है ये, राइट, सॉरी साउथ अमेरिका, ओके, तो साउथ अमेरिका में ये भी पाई जाती है और थ्रू आउट इंडिया ये भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, अग्रेसिव कॉलोनाइजर है, गार्डन्स में और हैबिटेशन मतलब लोग उगाने से पसंद करते हैं क्योंकि ये देखने में अच्छे लगते हैं, राइट। और फिर अब देखते हैं पार्थीनियम, राइट, पार्थीनियम ये एक्चुअली ट्रॉपिकल नॉर्थ अमेरिका की स्पीसीज है, ये अभी इंडिया में थ्रू आउट डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट, और एग्रेसिव कॉलोनाइजर है और ये कॉमन वीड है, हर जगह पाई जाती है, ओवरग्रेस जो पैस्चर्स होते हैं जहाँ पे ज़्यादा घास ये सब उगती है, घास से ज़्यादा ये उगती है, राइट, तो इसे जो हर्बीवर्स प्लांट्स है वो खाना इसे खाते हैं, राइट। फिर आप देखते हैं हाँ, तो प्रोस्पोइस जूलीफ्लोरा, इसे मेस्किट भी कहते हैं, तो ये मैक्सिको की नेटिव स्पीसीज है और थ्रू आउट इंडिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, एग्रेसिव कॉलोनाइजर है, कॉमन वीड ऑफ वेस्टलैंड स्क्रबलैंड एंड डिग्रेडेड फॉरेस्ट, राइट। फिर हम देखते हैं टाउनसेंड ग्रास, तो ये ट्रॉपिकल वेस्ट एशिया यहाँ की स्पीसीज है, ओके, ये अमेरिका की नहीं है, अफ्रीका की नहीं है, ट्रॉपिकल वेस्ट एशिया की स्पीसीज है, थ्रू आउट इंडिया डिस्ट्रीब्यूटेड है, वेरी कॉमन अलॉन्ग स्ट्रीम्स ऑफ, तो ये बैंक मतलब जो किनारे हैं रिवर्स मतलब नदियों के किनारे वहाँ पर ये ज़्यादा पाए जाते हैं, टाउनसेंड ग्रास, राइट। फिर अब हम देखते हैं कुछ मेडिसिनल प्लांट्स, ओके, तो यहाँ पे दिया गया है बेडोम्स सिकैड पेरिटा कोंडिया, पता नहीं इनके नाम ऐसे क्यों दिए होते हैं, कोंडाइता, ओके, आपको जैसे समझ में आए आप लोग इसे याद कर लीजिए। तो कहाँ पे मोस्टली पाया जाता है, ईस्टर्न पेनिनसुलर इंडिया, राइट, तो जो ईस्टर्न इंडिया है पेनिनसुलर इंडिया में मोस्टली वहाँ पे पाए जाते हैं, राइट। तो जो इसका यूजेस क्या है, इसके यूजेस ये हैं, जो मेल कोन्स होते हैं उस प्लांट के,
इसे जो वहाँ के जो लोकल हर्बलिस्ट मतलब जो प्लांट्स को स्टडी करते हैं जानते हैं राइट, उसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस राइट, ये एक ऑटो इम्यून डिसीज़ होती है रूमेटॉइड आर्थराइटिस राइट, जहाँ जहाँ पे अपनी इम्यून सिस्टम खुद हमारे खिलाफ काम करने लग जाते हैं, तो उस तरह की एक बीमारी होती है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, उसके क्योर के लिए और उसमें मसल पेन बहुत ज़्यादा होता है उसके लिए ये काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है राइट, वहाँ के लोकल लोग इसे यूज़ करते हैं। ये इसका नोट्स बनाना का आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है, या फिर एटलीस्ट इसे बार बार रिवाइज करते रहिए ताकि आपको याद रहे। ठीक है, आगे देखते हैं, फिर इसमें कुछ फायर रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी भी पाई जाती हैं राइट, तो ये इसके अच्छे यूजेस हैं। फिर आता है ब्लैक वांडा या फिर ऑटम लेडी स्ट्रेसेस ऑर्चिड राइट, तो ये कहाँ कहाँ, असम, मोस्टली नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में राइट, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर। ओके, तो वांडा बोटैनिकल ऑर्चिड में पाया जाता है राइट, तो इसे और ये काफ़ी ऑर्नामेंटल प्लांट भी है, मतलब दिखने में अच्छा लगता है, तो इसके इसे खूबसूरती के लिए भी इसे उगाया जाता है। और फिर ये क्या है, ब्लू फ्लावर्स होते हैं और ये इंटर स्पीसीज और इंटर स्पेसिफिक और इंटर जेनरिक, इसका मतलब ये होता है जैसे हम जब पढ़ते हैं जीनस और स्पीसीज राइट, जैसे ये ब्लू हो गया ये इसका जेनरिक हो गया राइट, जीन हो गया, और ये वांडा स्पेसिफिक हो गया। ओके, तो उसी तरह से तो इनमें भी इन आपस में इनके भी मतलब हाइब्रिड होते हैं, तो फिर हाइब्रिड में दो स्पीसीज में भी हाइब्रिड हो सकते हैं या फिर दो जेनस में भी हाइब्रिड हो सकते हैं, तो इंटरजेनरिक और इंटर स्पीसीज हाइब्रिड में हाइब्रिड क्या है इससे बनते हैं, तो उस तरह से अलग अलग डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स बनते हैं, इसके लिए फेमस है। फिर आता है कुस्ता, ओके नाम आप पढ़ लीजिए अपलेट राइट, ये काफ़ी डिफिकल्ट नाम है बट याद रखने पड़ते हैं राइट, तो नोट्स बना के और बार बार रिवाइज करके इसे याद कर सकते हैं, और कुछ तरीका भी नहीं है, और क्वेश्चंस आजकल भी बहुत उठपटांग भी आ रहे हैं आजकल, तो इस तरह से क्या पता आ भी जाए इस पर राइट, प्रिलिम्स में। तो अब देखते हैं, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन ये कहाँ पे पाया जाता है, मोस्टली कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। ओके, ये याद रखना आपको, स्पेसिफिक पॉइंट है। फिर एंटी इन्फ्लेमेटरी, इसका प्रॉपर्टीज़ क्या है, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, तो जो इन्फ्लेमेशन को मतलब जैसे कहीं पे सूजन हो जाती है उसे इन्फ्लेमेशन कहते हैं, और उस सूजन को कम करने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसे एंटी इन्फ्लेमेटरी कहते हैं राइट। तो ये जो तिब्बतन मेडिसिन होते हैं, ट्रेडिशनल तिब्बतन मेडिसिन, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है राइट, क्योंकि तिब्बतन भी कुछ ऐसी एरिया में ही है तो राइट, तिब्बत तो राइट वहाँ पर पाया जाता है। और जो इसका जो ड्राई रूट्स होते हैं राइट, कुट के जो ड्राई रूट्स होते हैं उसे एरोमेटिक ऑयल्स में इस्तेमाल किया जाता है, इंसेक्टिसाइड्स के लिए एज ए इंसेक्टिसाइड भी इसे यूज़ किया जाता है, इंसेक्ट्स को कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें एल्कोलाइड मतलब एक तरह का केमिकल होता है जिसमें नाइट्रोजन होता है, उसे एल्कोलाइड कहते हैं, मतलब एक टाइप ऑफ केमिकल जिसे कहते हैं राइट, प्लांट में पाया जाने वाला एक टाइप ऑफ केमिकल जिसे एल्कोलाइड कहते हैं, तो वो एल्कोलाइड का नाम है सॉसरीन ठीक है, जो कि इस प्लांट में पाया जाता है, जो कि मेडिसिनली काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। फिर हम देखते हैं लेडीज़ स्लिपर ऑर्चिड, तो अब इसके यूज़ क्या क्या है, तो इसके इस्तेमाल क्या है, इसे ना कलेक्टर आइटम्स की तरह यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये देखने में दिख रहा है आपको कितना दिखने में अच्छा लगता है, तो इसे कलेक्ट किया जाता है, और फिर बाद में इसे अकेले भी यूज़ किया जाता है, या फिर इसे मतलब इसके कुछ केमिकल्स मतलब कुछ फॉर्मूलाज बनाए जाते हैं कि मतलब इतना इसका कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए, इसके इतना पार्ट्स डालने चाहिए, जिससे कि क्या होता है, इसके यूज़ क्या है मेन, एनजाइटी राइट, कभी कभी बहुत ज़्यादा घबराहट होने लग जाती है, एनजाइटी होती है, तो उसे ट्रीट करने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। इंसोमनिया, जब ऐसी कंडीशन जब नींद नहीं आती राइट, कभी कभी ऐसा होता है इंसान को बिल्कुल नींद नहीं आती है, तो ऐसे कंडीशंस को भी ट्रीट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और फिर यहाँ पे दिया गया है पॉल्टिस, मतलब प्लास्टर की तरह, जब मसल कहीं पे मसल पेन होता है तो इसका पॉल्टिस या फिर प्लास्टर बनाया जाता है, और उसे उस पर इस्तेमाल किया जाता है उस मसल पेन को ठीक करने के लिए। फिर आता है रेड वांडा भी मोस्टली कहाँ, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पाया जाता है, मणिपुर, असम, फिर यहाँ पे ओके आंध्र प्रदेश यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, आंध्र प्रदेश में भी पाया जाता है, मणिपुर, असम एंड आंध्र प्रदेश। तो ये ऑर्चिड्स में मतलब यू नो ऐसे डेकोरेशन पर्पस के लिए इसे यूज़ किया जाता है, और फिर बाद में इसकी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। ओके, और स्पेशली यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, एशिया में इसकी काफ़ी डिमांड है, तो इसे उस तरह से उगाया जाता है। फिर आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट सर्पगंधा राइट, तो ये सब हिमालयन एरियाज़ में मतलब सब हिमालयन एरियाज़ में, पंजाब हो गए, नेपाल, सिक्किम, असम, ईस्टर्न वेस्टर्न घाट्स राइट, और सेंट्रल इंडिया, इवन इन अंडमान्स में ये पाया जाता है सर्पगंधा, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट है राइट। इसे बहुत सारे मतलब वेरियस सेंट्रल नर्वस सिस्टम राइट, जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं उन्हें ट्रीट करने के लिए इसे यूज़ किया जाता है, मतलब जो दिमाग से रिलेटेड
आपकी बीमारियां हैं उन्हें ठीक करने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसका इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है सर्पगंधा, राइट। तो इसमें क्या होता है, एक एल्कलॉइड होता है, एल्कलॉइड मैंने बताया था नाइट्रोजन कंटेनिंग एक तरह का केमिकल होता है, आपको ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं होता है एल्कलॉइड क्या होता है, राइट। और फिर फ्लेवोनॉइड्स क्या होते हैं, इस तरह के बहुत सारे वो होते हैं केमिकल्स होते हैं। तो एक ये एक तरह का केमिकल होता है, कैटेगरी होती है उस एल्कलॉइड जो उसमें पाया जाता है, राइट। और उसका नाम है, उस एल्कलॉइड का नाम है रिसर्पिन, जो कि सर्पगंधा में पाया जाता है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसमें वो इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, उसका प्रॉपर्टीज़ क्या है, सिडेटिव एक्शन। जैसे कभी कभी आपको बहुत दर्द हो रहा होता है तो आपको सुला दिया जाता है, राइट। या फिर आपको किसी भी कंडीशन को ठीक करने के लिए आपको सुला दिया जाता है, तो उसे सेडेटिव्स कहते हैं। तो सेडेटिव्स एज ए सेडेटिव इसे इस्तेमाल किया जाता है एनजाइटी प्रॉब्लम्स में, राइट। फिर कुछ साइकोसिस, साइकोसिस मतलब ये भी एक मेंटल डिसऑर्डर है, राइट, साइकोसिस, तो उसके लिए भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। फिर हम आगे देखते हैं जो इसके रूट एक्सट्रैक्ट्स हैं, उससे बहुत सारे जो इंटेस्टिनल मतलब हम जो हमारी जो आंतड़ियाँ होती हैं, इंटेस्टाइन्स होते हैं, उसके बहुत सारे डिसऑर्डर्स को ट्रीट किया जाता है, जैसे डायरिया हो गया और डिसेंट्री, इसमें इसका स्पेशली इसमें इसे इस्तेमाल किया जाता है। एंथेलमेंटिक, तो एंथेलमेंट्स मतलब हेलमिन्स एक तरह से आप ये कह लीजिए, वो भी कीड़े इस तरह के पैथोजेंस होते हैं जो बॉडी में चले जाए वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकते हैं, राइट, स्पेशली पेट में, तो उसे मारने के लिए भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। फिर कॉलरा, मैंने आपको बताया था कॉलरा क्या होता है, खराब पानी की वजह से, कायम पानी पीने की वजह से इस तरह की एक बीमारी होती है कॉलरा, आजकल काफ़ी कम हो गई है। और कॉलिक और फीवर को ट्रीट करने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है, फीवर आपको पता है बुखार। उसके बाद फिर ये जो लीव्स है उसके जो जूस होते हैं उसे जो कॉर्निया होता है, जैसे हमारी आँख है, आँख के सामने होता है कॉर्निया, राइट। तो उस कॉर्निया में कभी कभी ऐसा होता है, जैसे आपने मोतियाबिंद सुना होगा, राइट, तो उसमें क्या होता है, आगे उसके आगे कुछ एक परत जम जाती है जिससे आगे दिखता नहीं है, तो उस ओपेसिटी को हटाने के लिए भी इसके जूस का, इसके लीव्स के जूस का इस्तेमाल किया जाता है, राइट। मतलब आँख को ठीक करने के लिए एक तरह से इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद फिर जो इसके रूट एक्सट्रैक्ट के और भी बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं, बहुत हेल्थ पे अच्छे इफेक्ट्स होते हैं, जैसे सिडेशन मैंने बताया था एंजाइटी को ट्रीट करने के लिए, सुलान देने के लिए, हाइपरटेंशन में इसे इस्तेमाल करते हैं, ब्रैडीकार्डिया, ये भी एक हार्ट डिसीज़ है, राइट, ब्रैडीकार्डिया मतलब हार्ट कंडीशन होती है, इसमें जो भी कार्डियक आउटपुट होता है मतलब जो हार्ट होता है वो काफ़ी धीमा पड़ जाता है, बहुत धीरे धीरे अपना काम करता है। फिर मायोसिस हो गया, तो ये नाम आपको बस थोड़े बहुत याद रखने हैं, टोसिस, ट्रेमर्स मतलब एक तरह से हिल जब बॉडी हिलने लग जाती है, राइट। तो ये सब रिसर्पिन के मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और रिसर्पिन क्या है, एक एल्कलॉइड है जो कि सर्पगंधा में पाया जाता है। फिर आप आते हैं सेरोपीजिया स्पीसीज, लैंटन फ्लावर, राइट, तो लैंटन फ्लावर या फिर पैरासोल फ्लावर कहते हैं, पैराशूट फ्लावर ये इसके कुछ नाम है, और इसे मोस्टली ये ऑर्नामेंटल प्लांट है, मतलब ये डेकोरेशंस के लिए इसे यूज़ किया जाता है, राइट, साज सजावट के। फिर आता है एमओडी, इंडियन पोडोफाइलम, राइट। तो इसका जैसे यहाँ पे बहुत सारे सिनोनिम्स दिए गए हैं, आपको ये देख लेना है, हिमालयन मे एप्पल, इंडियन मे एप्पल इसे कहते हैं, राइट। तो ये लोअर एलिवेशन मतलब जो हिमालय के जो निचले वो हैं एलिवेशन है वहाँ पे पाए जाते हैं, राइट। इनके यूजेस क्या है, जो इसके राइजोम्स होते हैं, राइट, रूट्स के आसपास होते हैं, वो क्या करते हैं, उनमें एक ड्रग होता है जिसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है, राइट। पोडोफाइलम टॉक्सिन भी होता है, मतलब एक तरह से वो जहरीला भी होता है, राइट, और वो स्किन के लिए काफ़ी, स्किन में बहुत ज़्यादा इरिटेशन मतलब स्किन में एक तरह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकता है, इरिटेट कर सकता है, और म्यूकस मेम्ब्रेन्स मतलब म्यूकस मेम्ब्रेन जो हमारे नाक के थ्रू जो नली होती है उसमें बहुत सारे चिपचिपा सा वो होता है, सिर्फ नाक ही नहीं, हमारे जो अंदर ईसोफेगस मतलब हमारे अंदर जो होते हैं नली होती है वहाँ पे एक तरह का एक पानी जैसा होता है, राइट, उसे म्यूकस कहते हैं, तो उन मेम्ब्रेन्स में जाके भी ये काफ़ी प्रॉब्लम कर सकता है, लेकिन इसके कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी हैं, ओके। फिर देखते हैं साइकैड्स, तो ये एक तरह का जिम्नोस्पर्म ट्री है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इसके बाहर हैं, राइट, ये इसके सीड्स जो है बाहर उगे हुए हैं, तो ऑल राइट, ये एक तरह का जिम्नोस्पर्म सीड है और इसे लिविंग फॉसिल भी कहते हैं। तो ये वेस्टर्न घाट्स में, ईस्टर्न घाट्स में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, अंडमान, जहाँ पे ऑलरेडी बायोडाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा होती है वहाँ पे ये पाए जाते हैं, राइट, इन एरियाज़ में काफ़ी बायोडाइवर्सिटी रिच एरियाज़ हैं, ऑब्वियसली यहाँ पे ये पाए जाते हैं। तो साइकेट्स का क्या आता है, ये बहुत एक सोर्स होते हैं किसके, स्टार्च के,
स्टार्च आपको पता होगा जो कि पोटैटो में पाया जाता है, वाइट कलर का सब्सटेंस होता है, राइट। और सोशियो कल्चरल रिचुअल्स में से यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, और इसके कुछ और बहुत और भी कुछ इसके इस्तेमाल किए जाते हैं, और भी कुछ मेडिसिनल यूजेस होते हैं, जैसे कि इसके रेगुलर कंजम्पशन से, जो इसके स्टार्च है उसके रेगुलर कंजम्पशन से क्या होता है, जो लिटिको बॉडिक डिसीज़ होती है, राइट, उस वो हो सकता है अगर इसे इसे इस डिजीज़ में इस्तेमाल किया जा सकता है, राइट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये कह रहा है कि रेगुलर अगर इनटेक इसका, अगर बार बार इसका जो स्टार्च है उसे इस्तेमाल किया जाए, तो उससे एक बीमारी होती है जैसे लिटिको बॉडिक डिसीज़ कहते हैं। आप कुछ ऐसे देख सकते हैं, राइट, ये कुछ एरियाज़ में ही ज़्यादा पाया जाता है, राइट। वहाँ पे अगर लोगों को देखा गया, जो लोग इसे रेगुलरली यूज़ करते हैं उनमें इस तरह की बीमारी आती है, तो इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना भी ठीक नहीं है। और ये लिटिको बॉडिक डिसीज़ क्या होती है, एक तरह की पार्किंसन डिसीज़, मतलब जब हाथ पैर होते हैं, जब हमने देखा होगा कुछ एजड लोग होते हैं उनके हाथ पैर में ठीक से कोऑर्डिनेशन नहीं होता, उनके हाथ कांपते हैं, वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाते, राइट। तो फिर क्योंकि वो डोपामिन जो होता है उसका रिलीज़ कम होने जाता है, उस वजह से जो पार्किंसन डिसीज़ होता है। और ALS ये भी एक टाइप का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, राइट, हमारे दिमाग से रिलेटेड डिसऑर्डर है। उसमें क्या हो जाता है, नर्वस सिस्टम होता है, राइट। ये नर्वस सिस्टम में क्या होता है, जो ब्रेन के जो नर्व सेल्स होते हैं, राइट, उनमें जो होता है मसल्स होता है, वो मसल्स कम हो जाए, मतलब मसल्स में जो कंट्रोल होना चाहिए वो कंट्रोल नहीं रह पाता है, राइट। ये ALS, तो इस तरह की बीमारी होने लग जाती है। तो कुल मिला के इसके ज़्यादा रेगुलर कंजम्पशन से क्या होता है, इस तरह की लिटिको बॉडी डिसीज़, पार्किंसंस, ALS, इस टाइप की बीमारी होने लग जाती है, राइट। और ये एक स्पेसिफिक एरिया में ज़्यादा देखा गया है, राइट। फिर इसे थ्रेट, इसे किस तरह चीज़ों से थ्रेट है, ज़्यादा इसे ज़्यादा उगाने की वजह से, डिफॉरेस्टेशन के वजह से और फॉरेस्ट फायर से, राइट। फिर हम आते हैं ट्री फर्न्स में। ट्री फर्न्स लोअर एलिवेशन इन मतलब जो हिमालय के जो लोअर एलिवेशन है वहाँ पे ज़्यादा पाया जाता है। इसके यूजेस क्या क्या है, सॉफ्ट ट्री फर्न कैन बी यूज एज फूड सोर्स, ठीक है। तो जो इसके ये से फूड सोर्स की तरह इस्तेमाल किया जाता है, इसमें बहुत ज़्यादा स्टार्च, राइट, तो यहाँ पे ये बहुत एक स्टार्च का एक बहुत अच्छा सोर्स होता है, इसलिए इसे उगाया जाता है। फिर हम आते हैं एलिफेंट्स फुट, राइट, ये एक ट्री है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये क्या होता है, ये मोस्टली नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयस में इसे पाया जाता है, राइट। और ये इसमें एक केमिकल, एक डायोसजेनिन, राइट, ये एक तरह का स्टेरॉयड होता है, स्टेरॉयड सेपोजेनिन होता है, राइट। मतलब ये भी एक, जैसे मैंने एल्कलॉइड के बारे में बताया था, ये एक टाइप ऑफ केमिकल होता है, उसी टाइप का केमिकल एक ये स्टेरॉयड होता है। तो जो उसका एक टाइप, उस स्टेरॉयड का एक नाम है डायोसजेनिन, राइट। तो ये डायोसजेनिन उसमें पाया जाता है। और यहाँ पे ये सब बहुत ज़्यादा दिया गया है, आई थिंक ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। वो कैसे मिलता है, सेपोजेनिन इज़ द प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस बाय एसिड्स, राइट, किस तो जो सेपोनिन्स होते हैं उसको, उस पर अगर एंजाइम्स एक्ट करते हैं तो फिर उससे उसका हाइड्रोलिसिस हो जाता है और फिर इस तरह से पाया जाता है। आई थिंक ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। फिर जो यहाँ पे दिया गया हुआ है, शुगर फ्री एक ग्लाइकोजन, राइट, ये यहाँ पे पाया जाता है, कॉर्टिसोन, प्रेगनेसोलोन, ये आपको याद रखना है, प्रेगनेलोन, प्रोजेस्ट्रॉन, ये कुछ इस तरह के स्टेरॉइड्स प्रोडक्ट है जो कि इसमें मिलते हैं, राइट। दो चार आपको बस नाम याद रखना है, डायोसजेनिन, सेपोजेनिन, राइट, और फिर एग्लाइकोन, शुगर फ्री एग्लाइकोन, और ये प्रेगनेलोन और प्रोजेस्ट्रॉन, इस तरह के स्टेरॉइड्स हैं वो सब इसमें पाए जाते हैं। इनके बहुत सारे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती है, बट आपको इतने डेप्थ में नहीं जाना, इतना जानना काफ़ी होगा, राइट। उतने का आप नोट्स बनाइए और काम ख़त्म करिए। फिर है ट्री कैरेक्टर्स। अब कुछ ट्री के हम कुछ कैरेक्टर्स देख लेते हैं, राइट, और उसमें से हम देखते हैं टाइप्स क्या होते हैं। अभी तक हमने बहुत सारे प्लांट्स के बारे में देखा था, ट्रीज़ के बारे में भी देखा था, लेकिन अब हम ट्रीज़ के बारे में स्पेसिफिकली देखते हैं टाइप ऑफ ट्रीज। तो पहले आता है डेसिडुअस, उसके बाद आता है एवरग्रीन। तो डेसिडुअस के बारे में हम जानते हैं, ऐसे पेड़ जो कि अपना अपने पत्ते गिराते हैं, राइट। तो साल में कुछ टाइम पे अपने पत्ते वो गिराते हैं, और कोल्ड क्लाइमेट्स में स्पेशली, और ऑटम, ड्यूरिंग ऑटम में, राइट, इस एरिया, इस टाइम पे ये ज़्यादा अपने पत्ते गिराते हैं, इन हॉट और ड्राई कंडीशंस में, राइट, वो उस टाइम भी ये अपने पत्तों को झाड़ते इसलिए करते हैं कि ताकि वो उस कंडीशन से बच सकें, ओके। फिर एवरग्रीन से नाम से पता चल रहा है, वो हमेशा ग्रीन रहते हैं, लश ग्रीन, हमेशा ग्रीन रहते हैं, वो अपने पत्ते नहीं गिराते हैं। गिराते तो ऐसे वाले हैं जो कि डेड हो चुके, जो मर चुके हैं ऑलरेडी, पुराने पत्तों को गिराकर वो नए पत्ते उगाते हैं, लेकिन वो उनका कलर हमेशा ग्रीन रहता है, राइट। इस तरह के वो कभी भी इस पतझड़ पे, जैसे कहते हैं ना पतझड़, उस टाइप के वो कभी नहीं हो जाते, राइट। आगे बढ़ते हैं,
एवरग्रीन। सो एवरग्रीन में यही पता था पूरे थ्रू आउट द ईयर वो अपने पत्ते नहीं गिराते हैं और वो ग्रीन रहते हैं, राइट। अब हम आते हैं पार्ट्स ऑफ ट्रीज में, रूट्स पे। तो रूट्स का आप ये देख लीजिए, कुछ रूट्स में क्या होते हैं वो अंडरग्राउंड होते हैं, मोस्टली अंदर ही उगते हैं, राइट। जो ज़मीन होता है ज़मीन के अंदर ही रूट्स पाए जाते हैं, ओके, मोस्टली अंडरग्राउंड होते हैं। और उनका काम क्या होता है, मोस्टली उनका काम क्या होता है, एक तो वो जड़ होते हैं तो फिर वो पूरे पेड़ की नींव होते हैं, उस पेड़ को जकड़ के रखते हैं, राइट, उसको सपोर्ट का काम करते हैं। और फिर पानी कलेक्ट करते हैं, न्यूट्रिएंट्स जो सॉइल होता है, राइट, जो ज़मीन होती है उस सॉइल से ये न्यूट्रिएंट्स कलेक्ट करते हैं, स्टोर करते हैं, राइट, और इसे अवेलेबल कराते हैं। तो रूट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद क्राउन देख लीजिए, क्राउन उसमें क्या पार्ट आता है, यहाँ पे जैसे दिखाया गया। तो क्राउन क्या करता है, सबसे पहले तो यहाँ पे आपको यहाँ पे समझ में आ ही रहा होगा, क्राउन यहाँ पे दिखाया, क्राउन इज मेड अप ऑफ लीव्स एंड ब्रांचेस एट द टॉप ऑफ अ ट्री। तो यहाँ पे ब्रांचेस के, ट्रीज के इसके बने होते हैं। इससे क्या होता है, जो एक तरह से इनके लिए छांव का काम करते हैं, जो रूट्स हैं उनके लिए ये जो क्राउन है छांव का काम करता है। उससे क्या है, फोटोसिंथेसिस में और ट्रांसपिरेशन में करने में ज़्यादा आसानी होती है, राइट, और फिर वो एक्स्ट्रा वाटर को भी हटाने में मदद करता है। फिर हम आते हैं लीव्स पर। तो लीव्स में यहाँ पर देख लीजिए, ये जो जैसे प्लांट है या फिर ट्री है, उसका ऐसा पार्ट है जो कि एनर्जी को फूड में कन्वर्ट करता है, राइट, एनर्जी इनटू फूड उसमें कन्वर्ट करता है। इसे फूड फैक्ट्री ऑफ द ट्री कहा जाता है। और इनमें एक स्पेशल सब्सटेंस होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, ये सबको पता है, जिसके वजह से ही ये बेसिस है क्लोरोफिल का, इसलिए जो पत्ते होते हैं पेड़ पौधे ग्रीन कलर के होते हैं, तो क्लोरोफिल उसे ग्रीन कलर देता है, राइट, उस पत्ते को। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल होता है इसे, जिससे कि फोटोसिंथेसिस होता है, ये सब पता है आपको। तो ये फोटोसिंथेसिस का यहाँ पे दिया गया, सन्स की एनर्जी को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करता है, और फिर बाद में सॉइल्स करने के बाद फिर वाटर फ्रॉम द सॉइल और उसे शुगर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है, राइट। तो ये सबको पता ही है। फिर आते हैं ब्रांचेस, शाखाएँ, राइट, डालियाँ यहाँ जैसे कहते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये क्या करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है, राइट, तो डिस्ट्रीब्यूट करने, लीव्स को अच्छी तरह से बांट कर डिस्ट्रीब्यूट करके उस सपोर्ट करती हैं। और ये पानी को एक तरह से ले जाने के लिए, इनको एक तरह से वो पैसेज देने का काम करती है, और जो एक्स्ट्रा शुगर्स होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उन्हें स्टोर करने का भी ये काम करती हैं, राइट, ये ब्रांचेस। आगे देखते हैं ट्रंक, मतलब तना, ये पेड़ का जो तना देख रहे हैं, तो मेनली इसका काम क्या है, सपोर्ट करना, राइट, शेप और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, एक सपोर्ट प्रोवाइड करना। जो क्राउन है, जैसे मैंने बताया था, पेड़ के ऊपर क्राउन होता है जो कि छोटे छोटे पौधों में नहीं होता, तो उसे सपोर्ट करना का काम इस ट्रंक का होता है। और ये क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, जो वाटर और न्यूट्रिएंट्स हैं सॉइल से लीव्स तक ले जाने का काम ये ट्रंक करता है, राइट। फिर हम आते हैं पार्ट ऑफ द ट्रंक के कुछ पार्ट्स होते हैं, इन्हें भी देख लेते हैं, एनुअल रिंग्स, ठीक है। ये देखिए, ये जो रिंग्स हैं उन्हें एनुअल रिंग्स कहते हैं, जिससे कि आपको पता होगा, इन एनुअल रिंग्स से ही उस पेड़ की उम्र का पता लगाया जाता है। तो इनसाइड द ट्रंक बहुत सारे ग्रोथ रिंग्स होते हैं, राइट, इन्हें एनुअल रिंग्स या फिर ग्रोथ रिंग्स कहते हैं। हर साल ये जो है ये ऐड होते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, एक तरह से ऐड होते रहते हैं, तो उससे क्या होता है, उनकी एज का पता लगाया जाता है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी, एज ऑफ द ट्री, या फिर पेलियो क्लाइमेटोलॉजी, ओके। तो डेंड्रोलॉजी क्या होता है, इस तरह से जो उसकी उम्र का पता लगाना होता है, उसे डेंड्रोलॉजी कहते हैं। तो इट इज़ यूज टू कैलकुलेट एज ऑफ द ट्री, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है, कितने ग्रोथ रिंग्स है, उस तरह से उसका एज का पता लगाया जाता है। ये आई थिंक ये बेसिक जनरल नॉलेज है, तो समथिंग सबको पता होगा, फिर भी मैं रिपीट कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर इस तरह से, और ये बहुत सारी चीज़ों पे भी डिपेंड करता है, जैसे कि टेम्परेचर, वाटर अवेलेबिलिटी, टेम्परेचर और वाटर वहाँ पे कितना अवेलेबल था, उस पर भी ये डिपेंड करता है, राइट। फिर अब आते हैं बार्क पे। बार्क क्या होता है, तने की जो ऊपर की जो परत होती है, जो आउटसाइड लेयर होती है, उसे बार्क कहते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, राइट, तो ये एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम करता है उस पेड़ के लिए। अगर ये बार्क बहुत अच्छा होता है, तो फिर वो पेड़ प्रोटेक्टेड रहता है, सुरक्षित रहता है। और जो उनके अंदर एक तो इनर बार्क होता है, जो बार्क में भी एक ऊपर का लेयर होता है, उसके बाद एक इनर लेयर होता है, आउटर बार्क, इनर बार्क बोलते हैं, ठीक है। तो इनर बार्क होता है वो लिविंग सेल्स का बना होता है, लेकिन जो आउटर बार्क होता है वो डेड सेल्स होता है, राइट, हमारे जैसे फिंगर नेल्स होते हैं उस तरह से। फिर अब आगे आते हैं फ्लोएम टिश्यू के बारे में। फ्लोएम क्या होता है, यहाँ पे देखते हैं, वेट, यस।
तो जो साइंटिफिक नाम होता है जो इनर बार्क का, उसे फ्लोएम कहते हैं. ओके, इनर बार्क और आउटर, क्योंकि इनर जो होता है वो लिविंग होता है, जो आउटर होता है वो एक्चुअली डेड हो जाता है हमारे फिंगर्स की तरह. तो इसका काम क्या होता है, यही जो शुगर्स को ले जाना, राइट, उनका ट्रांसपोर्ट करना, ये फ्लोएम का काम होता है. फिर हम आते हैं केम्बियम में, जो थिन लेयर होती है लिविंग सेल्स की. यहाँ पे आप अच्छे से, मैं आपको दिखा रही हूँ, राइट, इसलिए मैंने अच्छे से डिफ्रेंशिएट करके दिखाया हुआ ताकि आपको कभी कन्फ्यूजन ना हो. ये डायग्राम्स देखते रहिए, बार बार देखिए, ताकि आपको एकदम से ये अट जाए, कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि आगे हम ये सैपवुड, हार्टवुड ये सब पढ़ने वाले, और ये काफ़ी क्लोज है, राइट. आपको ये तो याद रहेगा कि ये तने का पार्ट है, लेकिन कौन क्या है नहीं पता चलेगा. ओके, और कभी कभी क्वेश्चन आ भी सकता है अगर आपकी किस्मत ख़राब है. तो स्टार्ट करते हैं. तो केम्बियम, ठीक है, तो ये थिन लेयर होता है लिविंग सेल, जस्ट आउटसाइड द बार्क. ओके, जस्ट इनसाइड द बॉक्स, आई एम सॉरी, आउटसाइड नहीं, इनसाइड, तो एकदम अंदर होता है, लेकिन ये इन सब से कंपेयर करते हो आउटर लेयर में होता है. तो उसके बाद क्या होता है, इट इज़ द पार्ट ऑफ द ट्री दैट मेक्स न्यू सेल्स. ओके, और इसी से वो जो क्या है, वो तना है, बढ़ता रहता है हर साल. ओके, फिर अब देखते हैं जो सैपवुड होता है, सैपवुड या फिर जिसे जाइलम कहते हैं. यहाँ पे देखिए, ये हो गया हार्डवुड, ये हो गया सैपवुड, और यहाँ बाहर क्या था हमारा, केम्बियम. ओके, फिर ये क्या है, इट इज़ मेड अप ऑफ नेटवर्क ऑफ लिविंग सेल्स. बहुत सारे लिविंग सेल्स मिलकर क्या होते हैं, ये बनाते हैं, और ये क्या, पानी न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं, राइट, रूट से लेकर ब्रांचेस ट्विग्स तक, मतलब बाकी पार्ट्स ऑफ द प्लांट में इसे ट्रांसपोर्ट करते हैं, उसका काम ये करते हैं जाइलम. ओके, फ्लोएम. फिर यंगेस्ट पार्ट ऑफ द ट्री ओवर द ईयर्स, तो ये जो होता है सैपवुड होता है, ये यंगेस्ट पार्ट होता है ट्री का, क्योंकि ये हर साल बढ़ते रहता है, और इसी तरह से ये यंगेस्ट पार्ट होता है. इन द ईयर लेयर्स ऑफ सैपवुड डाई एंड बिकम हार्डवुड, राइट, जो हार्डवुड है वो डाई होते रहता है और मरते रहता है. फिर आता है ये हार्डवुड. ओके, तो हार्डवुड क्या होता है, जो डेड सैपवुड होता है, जो सैपवुड होता है ये यंग होता है, और ये जो अंदर डेड होने लग जाता है उसे, वो जाके हार्डवुड बनने लग जाता है. ये हार्डेस्ट वुड होता है किसी भी ट्री का, ये सबसे ज़्यादा हार्ड होता है, और इसीलिए वो बहुत मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है उस ट्री को. फिर हम देखते हैं पिथ. तो पिथ क्या होता है, टाइनी डार्क स्पॉट ऑफ अ स्पॉन्ज लिविंग. यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छे तरह से डिफ्रेंशिएट करके बताया गया. तो ये जो पिथ होता है, फिर हार्डवुड हो गया, उसके बाद फिर आपका सैपवुड हो गया, केम्बियम हो गया, इनर बार्क, आउटर बार्क, राइट. तो फिर ये इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को कैरी करता है, इसी के थ्रू, पिथ के थ्रू ही कैरी किया जाता है. आगे देखते हैं रूट टाइप्स. तो चैप्टर काफ़ी बड़ा होता जा रहा है, तो मैं ये पार्ट टू यहाँ पे कंप्लीट करती हूँ, पार्ट थ्री से चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं. ओके, वीडियो को अभी तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, बने रहिए पार्ट थ्री पे. ओके.